हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक अपडेट निकलकर सामने आया है जहां पर ये कंफर्मेशन मिली है कि अब यूक्रेन को F-16 प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसके लिए अमेरिका ने अप्रूवल दे दी है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि कई महीनों से यूक्रेन द्वारा कैंपिंग चलाई जा रही है F-16s को एक्वायर करने की। कई यूरोपियन कंट्रीज़ यहाँ पर अपने एयरक्राफ्ट को देने को भी तैयार थी, लेकिन बिना अमेरिका के अप्रूवल के ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि ये अमेरिकन एयरक्राफ्ट है। तो फाइनली US ने अग्री किया है कि इनको F-16s प्रोवाइड कराए जाएंगे और साथ में जो और सपोर्ट चाहिए वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा, और यूक्रेन के जो पायलट्स हैं इनकी ट्रेनिंग भी आने वाले कुछ महीनों में स्टार्ट कर दी जाएगी। और ऐसा माना जाता है कि इन पायलट्स की ट्रेनिंग में कम से कम 4 महीने का समय लगेगा, तो हो सकता है इनको F-16 आने वाले 6 से 7 महीने में मिल जाए। तो यूक्रेन की कैंपिंग तो चली है F-16s को लेकर, साथ ही साथ इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा पुश किया जा रहा था, और इवन ये भी कहा गया कि हमने अपने इंग्लिश स्पीकिंग पायलट्स को तैयार रखा है ट्रेंड होने के लिए, और फाइनली इन्हें यहाँ पर सक्सेस मिल गई है। तो F-16 के मिल जाने के बाद क्या चेंज होगा, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि इनको F-16s मिलेंगे कैसे, क्या क्या लिमिटेशंस होंगी, और क्या F-16 के साथ और दूसरे प्लेटफॉर्म भी इनको मिल सकते हैं। तो जापान के हिरोशिमा में G7 की मीटिंग चल रही है जैसा कि हम जानते हैं, और यहीं पर ये फैसला लिया गया कि यूक्रेन को F-16s प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसकी अनाउंसमेंट UK के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने ट्विटर पर करी, जहां पर उन्होंने ये कोट किया कि UK काम करेगा अमेरिका के साथ, नीदरलैंड के साथ, बेल्जियम और डेनमार्क के साथ यूक्रेन को कॉम्बैट एयर कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराने में। तो UK के पास खुद F-16s नहीं है, लेकिन US, नीदरलैंड, बेल्जियम और डेनमार्क द्वारा F-16s यूज किए जाते हैं। बाकी कुछ रिपोर्ट्स ये आ रही थी कि हो सकता है UK द्वारा Tranche 1 के यूरोफाइटर टाइफून्स इनको प्रोवाइड कराए जा सकते हैं, पर अभी उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। तो ये देखने वाली बात होगी कि UK यहाँ पर आगे बढ़कर यूरोफाइटर टाइफून भी प्रोवाइड कराता है या नहीं। खैर, इनको F-16 प्रोवाइड कराने में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट नीदरलैंड ने शुरुआत में दिखाया था। तो ऐसा नहीं है कि यूरोपियन कंट्रीज ने फाइटर एयरक्राफ्ट यूक्रेन को नहीं प्रोवाइड कराए हैं, लेकिन जो पहले फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कराए गए थे वो सोवियत एरा के ही प्लेटफॉर्म थे, और मोस्टली MiG-29 थे जो कि यूक्रेन द्वारा पहले से यूज किए जा रहे हैं। ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो कि वेस्टर्न ओरिजिन का होगा और यूक्रेन को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि चाहे आप डच एयरफोर्स की बात कर लें, या फिर बेल्जियन एयरफोर्स की बात कर लें, या फिर डानिश एयरफोर्स की यानी कि डेनमार्क एयरफोर्स की बात कर लें, इनके द्वारा F-16s ए ही यूज़ किए जाते हैं, जो कि सबसे बेसिक F-16 है ब्लॉक 20 स्टैंडर्ड के, और इनको माइनर मिड लाइफ अपग्रेड मिले हैं। तो ये बहुत एडवांस F-16s नहीं है। तो अगर हम टेक्नोलॉजी वाइज देखें तो बहुत बड़ा एज जो है यूक्रेन को इन प्लेटफॉर्म के साथ नहीं मिलेगा, लेकिन एक बड़ी चीज़ जो इन्हें मिलेगी वो ये मिलेगी कि ये प्लेटफॉर्म वेस्टर्न वेपन्स को फायर करने में सक्षम होंगे, जिसके अंतर्गत बियॉन्ड विजुअल रेंज में ये AMRAAM जैसी मिसाइल्स को फायर कर पाएंगे, और ग्राउंड अटैक के लिए AGM-88 हार्म जो इनके द्वारा पहले से ही MiG-29 से फायर करी जा रही है उनको ये फायर करने में सक्षम होंगे। लेकिन यहाँ पर इनको ज़्यादा रेंज मिल जाएगी क्योंकि ऑनबोर्ड सेंसर्स के साथ कंपैटिबिलिटी होगी। बाकी ये चीज़ भी हम जानते हैं कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी यूक्रेन द्वारा यूज़ करी जा रही हैं, तो उनके भी 2-way डेटा लिंक वाले वर्जन्स को यहाँ पर इंटीग्रेट करने में परेशानी नहीं होगी इस प्लेटफॉर्म के साथ। तो अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो कंट्रीज़ हैं जिसमें बेल्जियन एयरफोर्स, नीदरलैंड एयरफोर्स और डानिश एयरफोर्स या फिर डेनमार्क एयरफोर्स अपने F-16s यूक्रेन को देने के लिए क्यों तैयार हैं। तो ये एयरफोर्सेज ऐसी हैं जो कि बहुत बड़ी फ्लीट ऑपरेट नहीं करती इन फाइटर एयरक्राफ्ट की, और जैसा कि हमने डिस्कस किया ये बेसिक वेरियंट्स इनके ऑपरेट करते हैं। तो इनको अब इनके द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है F-35 से, और अपने F-35s को ये रिसीव करना भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो अब इनके पास जो F-16s है ये रिटायर किए जा रहे हैं, तो इनको वैसे भी इन्हें हटाना है, तो इसलिए इनके लिए यूक्रेन को इन्हें ट्रांसफ़र करना एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। साथ ही साथ US द्वारा यहाँ पर ये लिमिट भी लगाई जाएगी कि इन प्लेटफॉर्म को खाली सेल्फ डिफेंस के लिए ही यूक्रेन द्वारा यूज़ किया जाए। तो जो वेपन्स यहाँ पर दिए जाएंगे जो कि एयरक्राफ्ट के साथ आएंगे, उनमें ये ख्याल रखा जाएगा कि ये वेपन सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ किए जाएँ। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये जो F-16s है ये रशियन एयरफोर्स पे बहुत बड़ा एज नहीं देंगे यूक्रेन को, लेकिन बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में थोड़ा सा एज यहाँ पर मिल सकता है AIM-120C5 AMRAAM की वजह से। डेफिनेटली यहाँ पर अमेरिका द्वारा डी वेरियंट नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे AMRAAM के। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के मामले में रशिया का मामला थोड़ा ढीला है। इनके द्वारा जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स बनाई जा रही हैं ये अभी भी अंडर डेवलपमेंट में है, और करंटली ये एक्टिव मिसाइल के तौर पर R-77 मिसाइल को यूज़ करते हैं,
जो कि मैक्सिमम 80 से 90 किलोमीटर की रेंज देती हैं। साथ ही जो इनके नए वर्जन है जिसे R77-1 कहते हैं, ये एक्चुअली थोड़ी नई मिसाइल्स हैं और सर्विस में एक्टिव तो हैं पर अभी बड़े नंबर में नहीं एक्वायर करी गई हैं। तो एमराम के साथ एक एज यहाँ पर मिल जाता है F-16s को। बाकी रशिया इनके अगेंस्ट में MiG-31s को इस्तेमाल कर सकता है जो कि R-37 जैसी मिसाइल्स को फायर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स हैं और इन F-16s को परेशान कर सकती हैं। लेकिन हमें ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि यहाँ पर जो सिनेरियो है ये खाली एयर टू एयर कॉम्बैट पर ही नहीं रहेगा, बल्कि सरफेस टू एयर मिसाइल भी यहाँ पर एक बड़ा रोल प्ले करती हैं, जिसकी वजह से रशियन एयरफोर्स कम्प्लीटली यूक्रेनियन एयर स्पेस को डोमिनेट नहीं कर पाई है। रशियन एयरफोर्स अभी भी डोमिनेटिंग पोजीशन में है पर कंप्लीट डोमिनेंस उन्हें नहीं मिला है। तो अगर हम एयर टू एयर कॉम्बैट में F-16 के मिल जाने के बाद रशियन एयरफोर्स और यूक्रेनियन एयरफोर्स को कंपेयर करेंगे तो रशियन एयरफोर्स अभी भी बहुत बड़े एज के साथ आगे है। साथ ही साथ इनके पास ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट भी हैं और वेपन्स भी हैं, लेकिन यूक्रेन का यहाँ पर थोड़ा सा लेवल अप होगा क्योंकि उनके पास जो पहले एयरक्राफ्ट थे जो कि MiG-29 और SU-27 थे, ये ओल्ड वर्जन थे और थोड़े आउटडेटेड वेपन्स को कैरी करते थे, जिससे थोड़ा सा अपग्रेड यहाँ पर यूक्रेनियन एयरफोर्स को मिलेगा, स्पेशली एयर टू सरफेस ऑपरेशंस में, क्योंकि अब इनके द्वारा स्मार्ट एयर टू ग्राउंड वेपन्स भी फायर किए जा सकते होंगे, जिसमें से AGM-88 हार्पून को तो ये पहले से ही फायर कर रहे हैं, वो तो करेंगे ही। साथ ही साथ जो पेवे सीरीज के लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं ये उनको भी फायर करने में अब सक्षम होंगे, और टारगेटिंग पॉड वगैरह के इनेबल होने की वजह से यहाँ पर अब प्रिसाइज एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस यूक्रेनियन एयरफोर्स द्वारा चलाए जा सकेंगे। बाकी ये पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है कि F-16s के रिसीव किए जाने के बाद हो सकता है ये प्लेटफॉर्म थोड़े अपग्रेड भी किए जाएं, क्योंकि ये चीज़ हमने देखी है कि US द्वारा पहले रिलक्टेंस दिखाई गई थी एडवांस वेपन्स को यूक्रेन को प्रोवाइड कराने के लिए, लेकिन धीरे धीरे जैसे वॉर बढ़ती गई इन्होंने अपने पेट्रियट जैसे सिस्टम यूक्रेन को प्रोवाइड कराने स्टार्ट कर दिए। तो एक तरीके से ये जो इनको F-16 मिलेगा ये एक दरवाज़ा खोलेगा जिसके बाद हो सकता है और बड़े जायंट्स यूक्रेन में जाना चालू हो जाए, जिसके अंतर्गत यूरोफाइटर टाइफून भी एक कंटेंडर है। उसके बाद फ्रेंच मिराजेस को लेकर भी यहाँ पर कन्वर्सेशन चल रही थी और हो सकता है फ्रांस द्वारा भी कुछ मिराज 2000 इनको डोनेट कर दिए जाएं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नेटो को भी ध्यान में रखनी है कि वो चीज़ों को इतना एस्केलेट नहीं करना चाहेंगे कि वो डायरेक्ट रशिया के अगेंस्ट ही खड़े हो जाए, तो चीज़ों को वो बैलेंस आउट करके चलना चाहते हैं, पर ये खेल ऐसा है कि यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। तो फ्यूचर में चीज़ें किस डायरेक्शन में जाती हैं ये देखने वाली बात होगी। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।